अगर मुझसे कोई कहे कि क्या तुम अपनी लाइफ के बारे में कुछ चेंज करना चाहती हो, तो मैं उनसे कहूंगी नहीं, बिकॉज मेरी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस, सेटबैक्स और टर्निंग पॉइंट्स आए, आज उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत दी है. यू नो व्हाट वी बिकम इज बिकॉज ऑफ द फेलियर्स दैट वी हैड इन द पास्ट. आज मेरे साथ एक ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिनके फेलियर्स और सेटबैक्स ने आज उनको वो बनाया है जो वो करंटली हैं, और कहीं ना कहीं वो एक स्टेप क्लोज हो गए हैं अपने MBBS के सपने से, अपने ड्रीम को अचीव करके बहुत ही खुश है वो. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू राहुल. हाय राहुल. हाय मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए. कैसी फीलिंग है अब? यस मैम, बहुत अच्छा फील हो रहा है. मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सारी रिलेटिव्स भी बहुत खुश हैं कि राहुल ने इतना अच्छा अचीवमेंट किया. वो एग्जांपल सेट करते हैं मेरा. राहुल, यूजुअली डॉक्टर के पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, डॉक्टर पेरेंट्स, कि उनके भी बच्चे डॉक्टर्स ही बने. तो आपकी फैमिली में भी डॉक्टर्स हैं एंड दैट इज द रीजन आपने MBBS डिसाइड किया? बेसिकली मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह नहीं है, मगर मेरे पेरेंट्स और शायद अंकल्स वगैरह डिफेंस में हैं. तो बेसिकली मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, जहाँ पे मेरा कांस्टेंट इंटरेक्शन था टीचर्स के साथ, फ्रेंड के साथ, सीनियर्स के साथ. तो वो बताया करते थे, मगर स्टार्टिंग में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद मैं डॉक्टर बनूंगा या बन पाऊंगा. पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था जब छोटा था तब. उसके बाद मैंने सोचा कि IAS बनूंगा. फिर एक दिन मैं और मेरा फ्रेंड था, तो शाम को ऐसे 11 या 12 के समथिंग हम सोने वाले थे. तो बात कर रहे थे कि हम क्या बनेंगे आगे जाके, 8th class में, 8th या 7th में. तो वो बोला कि यार डॉक्टर इंडिया में बहुत कम है और न्यूरोलॉजिस्ट तो बहुत ही कम है. तो फिर मैंने बोला कि यार मैं करूँगा डॉक्टर, मैं बनूँगा न्यूरोसर्जन या फिर न्यूरो डॉक्टर बनूँगा मैं. फिर वहीं से थोड़ा मोटिवेशन मिला कि यार बनना है, डॉक्टर बनना है. दोस्त से भी बोला था, या फिर अगर नहीं बोला तो वो बोलेगा, वो वैसे ही बोल देता है. तो इसीलिए ये भी था कि एक रेपुटेशन थी दो फ्रेंड्स में, और फिर डॉक्टर भी बनना था, और फिर कंटिन्यूस स्टडी भी की उसी के लिए. फिर टीचर्स ने भी सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा. सो राहुल, दो दोस्तों की गपशप और बातचीत में से ये बात निकल कर आई कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है. मतलब कभी भी किसी भी कॉन्वर्सेशन को आप लाइटली मत लीजिए, और इस कॉन्वर्सेशन की भी मैं बात कर रही हूँ कि यू आर बाउंड टू गेट मोटिवेटेड राइट नाउ विद राहुल स्टोरी ऑफ कोर्स. तो आगे बढ़ते हैं आपकी कहानी में. अब क्योंकि आपने ड्रीम तो देख लिया, हो गया डिसाइड कि डॉक्टर बनना है, सो हाउ डिड यू डिसाइड कि अब कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए परफेक्ट रहेगा? आकाश बायजूस का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में? बेसिकली मैं 9th और 10th class में मैं सीनियर्स के साथ रहता था, 11th और 12th वालों के साथ. तो जब मैं 9th में था तो मेरे सीनियर्स थे, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये डॉक्टरी करना चाहता हूँ. तो फिर उन्होंने बताया कि कहाँ जाएगा. तो मैंने बताया तुम बताओ मतलब कहाँ जाना है. तो उन्होंने बताया कि कोई इंस्टीट्यूट देखना, तो वहाँ पर मतलब टीचर्स भी अच्छे रहते हैं, ट्रिक्स वगैरह और पैकेजेस भी अच्छे, मतलब स्टडी मटेरियल भी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है. और वहाँ स्टूडेंट भी स्मार्ट होते हैं, यहाँ पे तो मतलब हर लेवल के स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर उन्हीं के हिसाब से पढ़ाते हैं. तो इसीलिए फिर जो शायद नवंबर या दिसंबर में था, तो फिर वो एंथे का एक एग्ज़ाम होता है शायद उसी टाइम पे होता था. तो वो सीनियर्स ने बताया कि आप इसे दीजिए, स्कॉलरशिप मिलेगी और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, तो आप जा सकते हो वहाँ पे अगर स्कॉलरशिप अच्छी मिली तो. तो फिर उसी में मेरी 95 या 90 के समथिंग वो स्कॉलरशिप मिली थी. तो फिर मैंने यहाँ पे आकाश जनकपुरी में एडमिशन ले लिया. ओके, तो ये जर्नी आकाश जनकपुरी से शुरू हुई. फिर उसके बाद जब आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? वर दे हैप्पी, वो खुश थे आपके इस डिसीजन से, या उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, कुछ और सोच लो? हाँ, मेरे पापा पहले चाहते थे कि मैं IAS बनूं, मगर जब मैंने 9th में बोला कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने एक दो बार बोला भी था कि बहुत लंबा जाएगा ये. फिर वो मान गए थे, जैसे कि 9th और 10th में मेरा रिजल्ट भी अच्छा जाता था और ओलंपियाड्स भी दिए थे मैंने, तो उसमें भी अच्छा कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस थी. तो फिर वो लास्ट में मान गए, मगर मम्मी वगैरह तो मतलब ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं था इनमें. तो पापा ने हाँ बोल दिया लास्ट में. ओके, सो राहुल, आपने आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन भी दिया था, तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या रोल रहा आपकी लाइफ में, आपकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आया? यस मैम, बेसिकली मैं स्टार्टिंग में तो शायद NCERT फोकस करता था. जब मैंने 9th class में दिया था तब भी ज़्यादा फोकस नहीं किया कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, क्या पढ़ना है. मगर 10th में था तो सीनियर्स ने बताया कि पहले तुम सिलेबस देखना,
क्या आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना। तो फिर मैंने सिलेबस देखा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट भी किया उस पर, फिर क्वेश्चंस वगैरह भी देखे, तो वहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न और क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली वो आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे की जर्नी में। और शायद वो क्वेश्चन भी बिल्कुल जैसे 11 12th के बेसिस पे थे, और शायद उसका फाउंडेशन तो शायद 9th और 10th ही था, मगर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे 9th और 10th में आपको पढ़ाया जाए जनरल स्कूल्स में। ओके, सो आपको क्या लगता है कि आपके स्कोर्स जो अच्छे आए वो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आई, आपने ऐसा क्या किया जो स्टूडेंट्स को आप बताओगे उनकी हेल्प हो जाएगी, एंड यू नो आप बोलोगे कि मैंने ये फॉलो किया था तो मेरे लिए हमेशा वर्क किया है, तो अब आती है बारी उन स्टूडेंट्स की जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, उनको क्या एडवाइस दोगे? हाँ मैम, उसमें कुछ नहीं कि कंटिन्यूसली स्टडी करनी है, मतलब जितना पर डे, ऐसा नहीं कि 7 दिन में दो दिन मतलब पूरे दिन पढ़ लिए, नाइट एंड डेज कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस करनी है, जैसे कि पर डे जितना देना है उतना देना है पर सब्जेक्ट को। मैं शायद 11th क्लास में मैंने ज़्यादा स्टडी की थी, क्योंकि जब मैं इतने मतलब बैकग्राउंड से आया था तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत पीछे रहूँगा, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की 11th क्लास में। तो फिजिक्स भी वो सीनियर्स बोलते थे कि फिजिक्स बहुत टफ आती है, तो मैंने फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस किया, फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पे। हाँ बायोलॉजी पे थोड़ा कम किया था 11th में, मगर फिर मुझे मालूम पड़ा कि बायोलॉजी उन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत वो 360 मार्क स्टैंड करती है नीट के एग्ज़ाम में 720 में से, तो फिर उस पर भी फोकस किया। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली स्टडी थी मेरी, और मैंने चार्ट भी बनाए, टेबल्स भी बनाई वो रिवाइज़ करने के लिए, कि बार बार रिवाइज़ करना है क्योंकि इतना सारा एक बार में तो नहीं हो सकता, तो इसलिए यही था मेरी टेक्निक्स। और शायद सुबह जागना, उसी टेबल्स को याद करना, यही सारी थी। तो आई एम श्योर आपने ये सारी टेक्निक्स नोट डाउन की होंगी जो राहुल ने फॉलो की थ्रू आउट द ईयर्स, है ना। लेकिन अब बात करते हैं उन पूरे सालों की मेहनत की, बिकॉज यूजुअली हर कोई सिर्फ ये देखता है कि हमने अच्छा स्कोर किया, पर उसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है, कितनी मेहनत होती है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही जानते हैं। सो इट्स टाइम कि आप वो भी एक्सप्रेस करें लोगों को, आप बताओ कि आपने ऐसी लाइफ में कौन सी बैटल्स को फाइट करके आज आप यहाँ पे खड़े हो। सबसे पहली बैटल्स तो यही थी कि मैम वहाँ से आना, जब मुरैना में रहते तो वहाँ से आना दिल्ली के एनवायरनमेंट भी कुछ मतलब रूबरू नहीं थे इससे, फिर वहाँ पे मोस्टली ये हेल्प हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑफलाइन होती तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम आती, मगर क्लासेस ऑनलाइन थी तो वो सारा कुछ मैनेज हो गया, क्योंकि टीचर्स बोलना सर वगैरह बोलते थे तो मतलब शायद मैंने कभी रिएक्ट भी नहीं किया शायद 11th क्लास में, तो क्योंकि जब इतने वो बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ से आना, फिर वहाँ पे टीचर्स वगैरह वो भी थे, हाई फैकल्टी थी, तो मैंने शायद कभी 11th क्लास में कभी फेस नहीं किया टीचर को। फिर शायद 12th में जब टीचर ने, जब वो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है ना टीचर का, तो जब उन्होंने बताया कि राहुल यू आर गोइंग परफेक्टली इन अ राइट डायरेक्शन, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ टीचर बोल रहे हैं तो शायद अच्छा कर रहा हूँ मैं, तो फिर मैंने थोड़ा इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया 11th लास्ट से 12th से, और फिर शायद ये फर्स्ट बैटल थी मेरी। फिर उसके बाद तो शायद नॉर्मली चल रहा था सब कुछ एकदम से, शायद अप्रैल की, शायद जो 12th की अप्रैल थी, अप्रैल या मई, तो उस टाइम मेरी आई प्रॉब्लम हुई थी। बेसिकली ये 10th में थी जब मैं शायद IPL देख के आ रहा था, तो मेरी एक लैडर थी उसमें मेरा सर जाके आईब्रो थी वो हिट हो गई, तो हम वहाँ पे उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया मैं, क्योंकि मैं अकेला ही रहता था ना नवोदय में, तो शायद दोस्तों ने वैसी दवाई वगैरह दे दी तो ठीक हो गया था, मगर जब 12th अप्रैल थी तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो प्रॉब्लम शायद दोबारा स्टार्ट हो गई थी, तो 3 या 4 महीने वही प्रॉब्लम थी, बिल्कुल फोकस नहीं हो पा रहा था पढ़ाई पे कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, कंसंट्रेट करता तो एकदम ड्राई आइस फील होता था उसमें भी। फिर मैंने फिर जब पढ़ाई नहीं करते तो रिजल्ट ओबियस डाउन जाता है, जब टेस्ट के मार्क्स भी डाउन जा रहे थे, फिर वो रैंक भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी, तो फिर जब नीट एग्ज़ाम हुआ ऐसे 2-3 महीने चला, फिर शायद नीट एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर को या 11 को, तो नीट एग्ज़ाम में वो पापा के फ्रेंड थे, उनके जो फ्रेंड के जो लड़के वगैरह थे उनका स्कोर बहुत ही डाउन था, जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने जब काउंट किया तो उनका बहुत ही डाउन था, तो मेरे साथ पहले तो हेल्थ इश्यूज था, फिर वो रिजल्ट भी डाउन जा रहा था, तो फिर मतलब पापा ने आके बताया कि उनका स्कोर तो बहुत डाउन जा रहा है, फिर मैंने सोचा कि
अगर वो 2 साल से पढ़ रहे हैं, मैं तो 4 महीने से अच्छे से पढ़ा भी नहीं, फिर तो मेरा क्या होगा फिर? अगर एम्स दिल्ली, फिर मेरा टारगेट था एम्स दिल्ली लेना, तो मगर एम्स दिल्ली मिलेगा कि नहीं, फिर वही सोचना, यही मतलब 10 या 15 दिन मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया था कि मतलब जब बेड से उठना भी चलना भी बहुत, क्योंकि डिप्रेशन में पूरी बॉडी ख़त्म हो जाती है एकदम, कुछ थॉट नहीं आना, वैसे ही पड़े हैं बेड पे सोच रहे हैं बस। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पापा भी जब जो आपके साथ रहता है वो भी आपको देखता है कि ये क्या कर रहा है, तो वो भी डिप्रेस हो रहे थे, वो भी परेशान थे, पापा ही साथ रहते थे, खाना भी बनाते थे, वो सारा कुछ वही करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि प्रॉब्लम मेरी है, मेरी वजह से सारे लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो ओवरकम तो मुझे ही करना होगा। तो फिर मैंने उसी दिन से डिसाइड किया कि मुझे ओवरकम करना है, ये आई प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, इसकी दवाई तो वो लेनी है। फिर मैंने फोकस किया पढ़ाई पर, फिर पापा भी थोड़े खुश रहने लगे, तो फिर इसी तरह से मतलब ओवरकम हुआ। डायरेक्ट तो नहीं है, थोड़ा टाइम लगा था, 1 महीने के समथिंग। तो लेकिन आपकी जर्नी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है शायद कि अभी आप इस वक्त कितने सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हो, कि आपने छोटी छोटी बैटल्स को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने दिया अपनी लाइफ में, और आपने अपने गोल को बहुत क्लियर रखा। राहुल, थैंक यू अपना टाइम यहाँ पे देने के लिए हमें, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, क्योंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और आपकी इस जर्नी से, इस स्टोरी से काफ़ी सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं। आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड दिस अबाउट राहुल और नॉट, कि जब जब उनके दिमाग में सेल्फ डाउट आया, उन्होंने उसको एकदम से अपनी लाइफ से आउट कर दिया, और वो इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि उनके टीचर्स ने उनको हमेशा मोटिवेट किया है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन दे, और हमेशा ये याद दिलाएं कि लाइफ में बेटर आउटलुक भी ज़रूरी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बाय द वे है जो आपको मोटिवेट करेगा और आपके सपनों के करीब आपको लेकर आएगा। जानते हैं वो डेस्टिनेशन? इट्स आकाश बायजूस। तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट akash.ac.in।